डांस बॉलरूम डांसिंग क्लासेस हैं उनका ये एनुअल प्रोग्राम है और उसमें सब स्टूडेंट्स जो हैं हम मैं भी स्टूडेंट हूँ संदीप जी की, तो हम सब अपनी कला पेश करने जाते हैं। कुछ गेस्ट जो हमारे होते हैं तो रूम्बा सांबा या वॉल्स है, जो जो बॉलरूम डांसेस के प्रकार हैं उनको हम लोगों के सामने पेश करते हैं। हाँ, क्योंकि लव स्टोरी किसी भी मतलब जो भी चाहे वो यूथ हो बुज़ुर्ग हो या बच्चे हो, सबको लव स्टोरी देखने को तो अच्छी ही लगती है। और ये जो लव स्टोरी है अनोखी है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें भारत और कोरिया का जो ईस्टर्न ही कल्चर है दोनों, लेकिन फिर भी भारत का कल्चर अलग है कोरिया का कल्चर अलग है। इसमें एक फैन डांस है जो लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। कोरियन प्राइम मिनिस्टर जब आ रहे थे हिंदुस्तान तो मुझे कहा कल्चरल कमेटी ने कि आप कुछ करिए, तो ये स्टोरी मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, कोरिया विजिट किया था, मैंने वहाँ का टूम भी देखा था, तो मेरे को लगा क्यों नहीं इसी स्टोरी पे और रिसर्च करके इसको आगे बढ़ाया जाए, और मैंने वही किया। 2-3 महीने लगे, बट आई थिंक बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से आया है। ये प्रूव करता है कि कोरिया और हिंदुस्तान का रिलेशन जो है बहुत सालों से चलता आ रहा है, 3000 साल पहले की कहानी है, अभी नई बात नहीं है। मॉडर्न ज़माने में शायद हम लोग मानते हैं कि अभी रिश्ते बने हैं, रिश्ते मेरे ख्याल से बहुत पहले से बने आए हैं, और आई थिंक हर किसी के क्रश होते हैं। मेरी एक टीचर हैं, अभी भी मैं उनके टच में हूँ, अनिता मुदलियार करके मेरे इसमें स्कूल में थी, और मेरे हिसाब से बहुत 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 खूबसूरत हैं, और तब से मुझे उन पर क्रश है, आज भी है। हमेशा बोलता हूँ मैम नोबडी एज ब्यूटीफुल एज यू, और पहला क्रश कभी कोई भूलता नहीं, आई थिंक मैं कभी नहीं भूलूंगा। वेल, यही वैलेंटाइंस डे के लिए हमने परफॉर्मेंस की है, ये प्यार की कहानी हमने बताई। वैलेंटाइंस डे के दिन आई थिंक पर्सनल रखना चाहूँगा, तो हम लोग शायद बाहर जाएंगे, कुछ ना कुछ साथ में करेंगे, नॉट टू मेक इट अ परफॉर्मेंस लाइक दिस। सो उसके थोड़े दिन पहले हमने ये कर दिया। आज वैलेंटाइन स्पेशल, प्री वैलेंटाइन स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम एक इंडो कोरियन लव स्टोरी पोर्ट्रेट कर रहे हैं जो कि रियल लव स्टोरी है बिटवीन इंडियन प्रिंसेस एंड कोरियन प्रिंस। उनका कैसे उनका मिलाप हुआ और कैसे उनकी शादी हुई, कैसे वो दे फेल इन लव, यही हम पोर्ट्रेट कर रहे हैं इस डांस ड्रामा के ज़रिए। मैं इंडियन प्रिंसेस का किरदार निभा रही हूँ, श्री रत्ना, जो कि इंडिया से गई अपने ड्रीम बॉय से मिलने, ड्रीम किंग से मिलने, जो कि किंग सूरो है, और वो उनसे मिलती हैं उन्हीं के देश में, और कैसे उनके बीच में प्यार होता है और कैसे उनके बीच में शादी होती है, और ये रियल लव स्टोरी है जो कि हम दिखाएंगे इस डांस ड्रामा के जरिए।